सब्सक्राइब कीजिए गौकर्स किचन चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौकर्स किचन। आज हम बनाएंगे पालक के पराठे। ये एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। आप इसे सुबह नाश्ते में या बच्चों को टिफिन में भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये झटपट से बन जाते हैं। तो आइए बनाते हैं पालक के पराठे। पालक के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम बारीक कटा पालक। मैंने पहले पालक की डंडियां हटाकर पानी से धो लिया था। इसके बाद छलनी में निकालकर एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद बारीक काट लिया। इसके साथ हमें चाहिए मोटे टुकड़ों में कटी हुई 3-4 हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक, बारीक कटी 4-5 लहसुन की कलियां, 1/4 कप बारीक कटा हरा धनिया, 1.5 कप गेहूं का आटा, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक, और पराठे सेकने के लिए तेल। आप चाहे तो इसकी जगह घी या बटर भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सी के जार में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे और बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे साइड में रखेंगे। अब बड़े मिक्सिंग फ्लैट बाउल में पालक डालेंगे, बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे, बारीक पीसा अदरक लहसुन हरी मिर्च भी डालेंगे। इसके बाद हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, अजवाइन और स्वादानुसार नमक डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब लगभग 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे और इसे पालक में अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथेंगे। आप चाहे तो बारीक कटी पालक की जगह पालक की प्यूरी बना के भी ले सकते हैं। अब हम आटे में 2 छोटे चम्मच तेल डालकर मसल कर चिकना करेंगे। इतना आटा गूंथने के लिए मुझे 1/3 कप पानी लगा है। अब हम इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। अब 15 मिनट के बाद आटे को एक बार फिर से मसल लेंगे। अब गूंथे हुए आटे की 5 समान लोइयां बनाएंगे। अब हम पराठे बनाएंगे। इसके लिए गैस पर तवा मीडियम आंच पर गरम करने के लिए रखेंगे। अब हम एक लोई लेंगे और सूखे आटे में लपेटने के बाद चकले पे रखेंगे। अब बेलन से गोलाकार 5-6 इंच व्यास में मोटा बेलेंगे। आप जैसा चाहे छोटे बड़े आकार में, स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में भी पराठे बना सकते हैं। तवा गरम हो जाने के बाद कच्चा पराठा तवा पर रखेंगे और इसे 10 सेकंड मीडियम आंच पर सेकेंगे। एक साइड सेकने के बाद इसे पलटकर दूसरी ओर 10-15 सेकंड पकने देंगे। अब दूसरे साइड से सेकने के बाद इसे पलटकर इसके ऊपर तेल डालकर चारों ओर अच्छी तरह से फैलाएंगे और कलछी से हल्के से दबाते हुए लो मीडियम आंच पर आधा मिनट सेकेंगे। अब फिर से इसे पलटकर दूसरी ओर भी तेल डालकर अच्छे से फैलाएंगे और कलछी से दबाते हुए पकाएंगे। देखिए, दोनों साइड से अच्छे से सेकने के बाद इसे एक प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह हम सारी लोइयां बेलकर अच्छी तरह से सेक कर पराठे बनाएंगे। आप फिर से इसे एक बार देख लीजिए।
आप ये हेल्दी और टेस्टी पालक के पराठे, दही, रायता या अचार और आलू की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।